अरोड़ा ईजी एजुकेशन में सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आपको FM वेव का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम कैसे ड्रॉ करते हैं, क्या कैलकुलेशंस रहती हैं, ये बताने का प्रयास करूँगा। FM वेव का फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, FM वेव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम, AM वेव की अंतिम समीकरण को देखकर इसके कंपोनेंट्स को आसानी से समझा जा सकता है। अब AM वेव की हमने समीकरण देखी है, लास्ट समीकरण, उसके अंदर तीन कंपोनेंट थे, एक तो कैरियर और एक लोअर साइड बैंड और एक अपर साइड बैंड। तो उसकी अंतिम समीकरण खुद स्वयं जो है वो अपने आप में स्पष्ट है कि AM वेव की समीकरण में या AM वेव के अंदर AM वेव के आउटपुट में कौन कौन से कंपोनेंट्स होंगे। परंतु FM वेव की अंतिम समीकरण बहुत जटिल है, ये इतना सिंपल नहीं है। FM वेव की इक्वेशन उसको सीधा ही देख के आप ये नहीं बता सकते कि इसके अंदर कंपोनेंट्स कैसे होंगे और उनकी क्या सिचुएशन होगी, उनकी क्या कंडीशन होगी। बेसल फंक्शन की सहायता से FM वेव को एनालाइज करते हैं। तो इसके लिए हमें क्या है कि एक बेसल फंक्शन की हेल्प, मैथमेटिकल ये फंक्शन है, तो इसकी हेल्प से हम FM वेव को एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। अब VFM क्या होता है, VC साइन ओमेगा CT प्लस MF कॉस ओमेगा MT। ये मान लिया समीकरण नंबर 1 है, ये मॉड्यूलेटेड FM वेव की इक्वेशन है। यहाँ VC जो है आपका कैरियर का एम्पलीट्यूड है और ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं, मॉड्यूलेशन इंडेक्स MF, और कॉस ओमेगा MT में ओमेगा M आपका एंगुलर फ्रिक्वेंसी है मॉड्यूलेटिंग। बेसल समीकरण क्या है पहले तो हम ये देखते हैं। बेसल समीकरण के दो हैं आइडेंटिटी, कॉस बीटा साइन ओमेगा MT। पहला तो ये है, इसको हम इवन फंक्शन भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू क्या है, J0 बीटा प्लस 2J2 बीटा कॉस 2 ओमेगा MT प्लस 2J4 बीटा कॉस 4 ओमेगा MT। ये लगातार इसी टाइप चलता रहेगा। लास्ट में लिखा है 2J2N बीटा कॉस 2N ओमेगा MT। तो सारे इसमें इवन टर्म्स आ रही हैं और इवन जो है वो ओमेगा एम के मल्टीपल्स आ रहे हैं। तो यहाँ पहले J0 बीटा में ओमेगा 0, तो पहली टर्म में ओमेगा आया नहीं है, सेकंड में 2 ओमेगा एम आ गया, उसके बाद 4 ओमेगा एम आ गया, यहाँ 2N ओमेगा एम, यहाँ 2 आ गया, और ये आपके J0 J2 J4 इस टाइप से पढ़ता चला जाएगा। ये समीकरण नंबर 2 है। इस टाइप से साइन बीटा ओमेगा एम टी यहाँ अंदर, ये तो आपका टर्म वही है और यहाँ कॉस की जगह साइन आ गया, इसमें ऑड आएंगे 2J1 बीटा साइन ओमेगा MT, 2J3 बीटा साइन 3 ओमेगा MT, और लास्ट में 2 J2N-1 बीटा साइन 2N-1 ओमेगा MT। ये एक समीकरण नंबर 3 मान लिया। इसमें सारी ऑड मल्टीपल्स आए हैं, J1 J3, ये J कोफिशियंट्स हैं। इसी टाइप से समीकरण 2 में ऑड हार्मोनिक्स को कोफिशियंट 0, जबकि समीकरण 3 में इवन हार्मोनिक्स के कोफिशियंट 0 होते हैं। तो समीकरण 2 में हम देख रहे हैं इसमें ऑड नहीं आ रहे हैं, J1 J3 J5, इसमें इवन नहीं आ रहे हैं J2, तो ये 0 हैं इसमें, ये लिखा मैंने। समीकरण 2 में ऑड हार्मोनिक्स के कोफिशियंट, ऑड हार्मोनिक्स मीन 2 ओमेगा एम ओमेगा 2 एम, और उसके बाद में ओमेगा 3 ओमेगा एम, ये ऑड हार्मोनिक्स। ऑड हार्मोनिक कौन से, 1, 3 और 5 के मल्टीपल्स ऑफ ओमेगा एम, इसमें आपके ऑड नहीं आ रहे और इसके अंदर आपके इवन नहीं आ रहे। इसमें 3 आ गया, फिर 5 आएगा, इसमें आपके 2, 4 स्टेप्स। तो बेसल फंक्शन का उपयोग करने पर, जो हमने अभी समीकरण लिखी थी उसको यूज करते हैं, VFM = VC sin ωCT cos MF cos ωMT, cos ωCT sin MF cos ωMF। तो पहले तो हमने ओपन किया है इसको, साइन वाले फंक्शन को, अब यहाँ बेसल फंक्शन को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पर हम हमारे पास क्या है, ये अगर आप उसको देखें पहली समीकरण, साइन ए प्लस बी की वैल्यू लगाई है हमें, साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी, तो वही हमने किया है यहाँ पर। VFM = VC sin ωCT cos MF, तो इसमें वो देख लेंगे, चेक कर सकते हैं आप। तो VC sin ωCT इसकी वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट की बेसल फंक्शन से, J0 MF प्लस 2J2 MF कॉस 2 ωMT प्लस 2J4 MF कॉस 4 ωMT, ये इस तरह से लगातार चलती जाएगी, प्लस cos ωCT सेकेंड वाला, 2J1 MF sin ωMT, 2J3 MF sin 3 ωMT, इस टाइप से कंटिन्यू चलेगी। तो एक समीकरण नंबर 4 होगी। अब VFM क्या हो गया, VC इंटू
इसको बाहर ले लिया सभी टर्म्स को, जे जीरो एम एफ साइन ओमेगा सी टी, जे वन एम एफ टू कॉस ओमेगा सी टी साइन ओमेगा एम टी, उसके बाद जे टू कॉस टू कॉस टू ओमेगा एम टी साइन ओमेगा सी टी, उसके बाद टू जे थ्री एम एफ कॉस ओमेगा सी टी साइन थ्री ओमेगा एम टी, ये सब हमने मिक्स कर दी सारी टर्म्स को, ये समीकरण नंबर पाँच होगी। वी एफ एम इज इक्वल टू वी सी इंटू जे जीरो एम एफ साइन ओमेगा एम सी टी प्लस जे वन एम एफ के को बाहर ले लिया, जे वन एम एफ को कंबाइन किया, साइन ओमेगा सी प्लस ओमेगा एम टी माइनस साइन ओमेगा सी माइनस ओमेगा एम टी, तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी वाला फार्मूला हमने लगा दिया। जे थ्री एम एफ में साइन ओमेगा सी प्लस थ्री ओमेगा एम टी माइनस साइन ओमेगा सी माइनस थ्री ओमेगा एम टी, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये अगर इसको गौर करें आप तो टू कॉस ए साइन बी, टू कॉस ए साइन बी, ये वाले फार्मूले लगाए हमने। तो टू कॉस ए साइन बी के अंदर क्या होता है कि साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, वही फार्मूला हमने लगाया है। समीकरण छः से स्पष्ट है कि एफ एम वेव में कैरियर में अनंत साइडबैंड होते हैं, ये हमने कोई फाइनाइट टर्म्स नहीं है इसलिए अनंत साइडबैंड कहते हैं, जिन्हें जे कोएफिशिएंट से गुणा किया जाता है, सब में जे कोएफिशिएंट लगे हुए हैं। ये फर्स्ट काइंड ऑफ बेसल फंक्शन है, इनको बेसल फंक्शन के फर्स्ट काइंड कहते हैं, जिसका ऑर्डर एम एफ की पावर के अनुसार होगा। जे एन एफ का हल इस प्रकार से निकाल सकते हैं, एम एफ का स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एम एफ स्क्वायर, एम एफ डी वाई अपॉन डी एम एफ, एम एफ स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू जीरो, इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन इनकी कैलकुलेशन करने के बाद हम डायरेक्ट टेबल से भी इनको निकाल सकते हैं। तो बेसल फंक्शन का फार्मूला निम्न है, जे एन एम एफ इज इक्वल टू एम एफ अपॉन टू का रेज टू पावर एन ब्रैकेट वन अपॉन फैक्टोरियल एन, एम एफ अपॉन टू का होल स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल वन फैक्टोरियल एन प्लस वन, एम एफ अपॉन टू का फोर फैक्टोरियल टू टू फैक्टोरियल एन प्लस टू माइनस एम एफ अपॉन टू रेज टू पावर सिक्स फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल एन प्लस वन प्लस, इस टाइप से ये समीकरण नंबर आठ होगी जे एन एफ निकालने के लिए। कैरियर या साइडबैंड का एम्पलीट्यूड, कैरियर या साइडबैंड का एम्पलीट्यूड ज्ञात करने के लिए जे कोएफिशिएंट के मान को ज्ञात करना आवश्यक है। तो जब तक आप जे कोएफिशिएंट नहीं निकालेंगे आपको कैरियर या साइडबैंड का एम्पलीट्यूड, क्योंकि जे हमेशा उसके मल्टीप्लिकेशन में है, ये हम इक्वेशन पहले ऊपर देख चुके हैं। समीकरण आठ से इन्हें ज्ञात किया जा सकता है, ये समीकरण जो है ना इससे निकाल सकते हैं जे एन एफ एन की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो हमने ये कैलकुलेशन मैथमेटिकल कैलकुलेशन यहाँ नहीं दिखाएंगे, उसके रिजल्ट्स हम टेबल में कुछ रिजल्ट्स लिख रहे हैं इस टेबल की फॉर्म में। तो इधर आपके एम एफ है 0.25.51 ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इधर आपके जे जीरो एन एफ जे जे है जे जीरो जे वन जे टू जे थ्री जे फोर इस टाइप बढ़ रहा है। तो एम एफ जीरो के लिए जे जीरो वन है, बाकी की वैल्यू डैश का मतलब बाकी की वैल्यू बहुत कम है नेग्लिजिबल, जिसे 0.251 पे 0.98 और 0.1 तो यानी जे वन तक निकलेगी, 0.5 में 0.94 0.25 0.03 वन के अंदर ये वैल्यू जो जो कंसिडर करने लायक वैल्यू जो है वो जे जीरो की 0.77 जे वन की 0.44 जे टू की 0.11 जे थ्री की 0.02 इस टाइप से हम देख रहे हैं। जे 1.5 के लिए, 2 के लिए, 2.5 के लिए, 3 के लिए सारी वैल्यूज आप इस टाइप से इस टेबल में लिखी। ये कैलकुलेशन हमने कैसे की, इस जो समीकरण में पहले जो 8 नंबर समीकरण ये दिए इससे कैलकुलेट किए और टेबल में हमने डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर दी। तो कुछ वैल्यू जो आप याद कर लें, जैसे दो तीन वैल्यू हम ये देख रहे हैं कि जैसे जैसे जे कोएफिशिएंट बढ़ रहा है तो ये वैल्यू घट रही है, 0.25 पे हाईएस्ट, 0.00 के हाईएस्ट है, उसके बाद घट रही है, 0.00 के हाईएस्ट है फिर घट रही है, ये नॉर्मल रूल है। अब इसके बाद हम इतना इसको ग्राफिकली देखें तो जे एन एम एफ अगर वर्टिकल स्केल पे है और एम एफ इधर है तो हम ये देख रहे हैं कि जे जीरो एम एफ के लिए जो कर्व आएगा इस टाइप से, यानी इसकी वैल्यू जो है वो हाईएस्ट मिलेगी एम एफ इजिकल जीरो पर, और एम एफ जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये कर्व की शेप में धीरे धीरे रिड्यूस होगी। इसी टाइप से थोड़ा सा शिफ्टेड होके के ये जे वन एम एफ है फिर जे टू एम एफ है जे थ्री, स्टार्टिंग इसकी थोड़ी लेट होगी उसके बाद धीरे इसकी ओवरऑल वैल्यू भी ये भी कम होगी। तो ये हमने इसको ग्राफिकली दिखाया है कि जे एन एम एफ और एम एफ के अंदर कैसे जो है वेरिएशन आता है। अब इसकी ऑब्जर्वेशन, ये जो हमने कैलकुलेशन की इनकी ऑब्जर्वेशन क्या है। एफ एम में कैरियर के साथ अनंत साइडबैंड होते हैं जिनकी कैरियर एफ सी से एफ एम टू एफ एम थ्री एफ एम होती है, जबकि ए एम कैरियर में दो साइडबैंड होते हैं। सेकंड, जियो कोएफिशिएंट का मान एन के बढ़ने के साथ घटता है जिनका मान शून्य के दोनों तरफ फ्लक्चुएट करता है, अंत में ये शून्य हो जाते हैं। मॉड्यूलेशन इंडेक्स का मान सिग्निफिकेंट साइडबैंड की संख्या निर्धारित करता है। तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आपको क्या दिखाएगा कि सिग्निफिकेंट साइडबैंड कितनी, यानी कि कितने मॉड्यूलेशन इंडेक्स कितने कौन से साइडबैंड में इसकी वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाएगी।
उनकी संख्या डिसाइड करेगा मॉड्यूलेशन इंडेक्स। उसके बाद थर्ड है कैरियर एफ सी समान दूरी वाले साइडबैंड्स का एम्पलीट्यूड समान रहता है, यानी कैरियर से दोनों इक्वल डिस्टेंस पर जो साइडबैंड है फ्रीक्वेंसी के हिसाब से उनका एम्पलीट्यूड सेम रहता है, अतः साइडबैंड्स कैरियर के दोनों तरफ सिमेट्रिकल होते हैं। कई बार जे कोएफिशिएंट का मान नेगेटिव भी होता है उसे साइडबैंड में 180 डिग्री का फेज, कई बार आपको ये नेगेटिव भी मिलेगा जे कोएफिशिएंट और अदरवाइज ये सिमेट्रिकल होंगे दोनों साइड में। इसके बाद आते हैं एम एफ इज प्रोपोर्शनल 1/ML, ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं एम एफ इजिकल डेल्टा ऑफ फ्रिक्वेंसी डिवीजन अपॉन एफ एम। तो एम एफ का मान बढ़ने के साथ जे कोएफिशिएंट बढ़ेगा, एम एफ बढ़ेगा तो जे कोएफिशिएंट बढ़ेगा, ये वहाँ टेबल में देख चुके हैं कि एम एफ बढ़ता है तो जे कोएफिशिएंट बढ़ता है। ए एम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ने से पावर बढ़ती है जबकि एफ एम में टोटल पावर कॉन्स्टेंट रहती है। ए में तो क्या है कि मॉड्यूलेशन इंडेक्स फार्मूले में देखें पावर के तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स आता है तो पावर एम एफ बढ़ता है, मॉड्यूलेशन इंडेक्स बढ़ता है तो पावर बढ़ती है, जबकि एफ एम में टोटल पावर कॉन्स्टेंट है। सैद्धांतिक रूप से एफ एम की बैंड चौड़ाई अनंत होती है परंतु सिग्निफिकेंट साइडबैंड एक्यूरेसी निकाला था, वैसे अगर देखें तो साइडबैंड इनडेफिनिट है तो बैंड सिग्निफिकेंट साइडबैंड इनडेफिनिट होने से एफ एम की बैंड चौड़ाई बहुत ज़्यादा होगी, लेकिन इसको हम ये मान लें कि 5 साइडबैंड लेने हैं या 7 लेने हैं जिसके बाद की वैल्यू नेग्लिजिबल हो जाए तो हम साइडबैंड की बैंडविड्थ की को निकाल सकते हैं। एफ एम में कैरियर का एम्पलीट्यूड ए एम की तरह स्थिर नहीं रहता है, एफ एम में क्या है कि ए एम में तो कैरियर का एम्पलीट्यूड सेंटर में बिल्कुल कॉन्स्टेंट रहता है जबकि एफ एम में मॉड्यूलेशन इंडेक्स के हिसाब से ये जो है वो एम्पलीट्यूड वेरी करता है, जे जीरो का मान कॉन्स्टेंट नहीं है। एफ एम वेव का कैरियर कंपोनेंट बिल्कुल गायब भी है, कई कंपोनेंट ऐसे आएंगे कि आपको कैरियर बिल्कुल ऐसा मॉड्यूलेशन इंडेक्स मिलेगा जब कैरियर कंपोनेंट बिल्कुल गायब भी हो जाए नहीं दिखे। तो बैंड चौड़ाई भी आवश्यक स्पेक्ट्रम या रिक्वायर्ड स्पेक्ट्रम ये हम निकालने की कोशिश करते हैं। सारणी का उपयोग करके प्रत्येक मॉड्यूलेशन इंडेक्स के लिए प्रत्येक साइडमेंट में कैरियर का एम्पलीट्यूड निकाला जा सकता है, ये साइड टेबल से निकल जाएगा। इससे हर एम एफ के लिए फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम का चित्र बनाना संभव है। दो तरह के फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाते हैं, एक में एफ एम को स्थिर रखते हैं दूसरे में डेल्टा एफ को स्थिर रखते हैं, यानी एक में तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स को कांस्टेंट रखते हैं और दूसरे में फ्रिक्वेंसी डिवीजन को कांस्टेंट रखते हैं। एम एफ बढ़ने के साथ साथ साइडमेंट संख्या बढ़ेगी जिससे बैंडविड्थ भी बढ़ेगी, मॉड्यूलेशन फ्रिक्वेंसी कम करने पर साइडमेंट बढ़ते हैं क्योंकि एम एफ का मान एफ एम घटने पर एफ डी अपन एफ एम डेल्टा के कारण बढ़ेगा, परंतु बैंडविड्थ हर बार बढ़े ऐसा जरूरी नहीं है। एफ एम में अनंत साइडमेंट होते हैं परंतु कम एम्पलीट्यूड वाले साइडमेंट को हम नज़रअंदाज करके बैंडविड्थ निकाल सकते, पहले भी बताया मैंने कि एफ एम में वैसे साइडमेंट इनडेफिनिट है लेकिन हम जो कम वैल्यू के साइडमेंट को नेगलेक्ट करके कुछ फाइनाइट साइडमेंट लेके बैंडविड्थ को निकाल सकते हैं, ये जो हमें मैंने ऊपर बताया आपको उसको ग्राफिकली दिखा सकते हैं। एम एफ 0.5 पे आपके ये टोटल साइडमेंट 2 है, 1 के ऊपर टोटल साइडमेंट 3 है, 2.5 के ऊपर टोटल साइडमेंट 1, 2, 3, 4, 5 इसी टाइप से 1, 2, 3, 4, 5 उसके एम एफ 4 के ऊपर 7 हैं और उल्टी साइड में चलें यहाँ पर तो क्या एफ एम कॉन्स्टेंट और डेल्टा बढ़ रहा है, एफ एम तो कॉन्स्टेंट है और डेल्टा बढ़ रहा है तो डेल्टा बढ़ेगा तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स जो एम एफ बढ़ेगा और यहाँ पर कॉन्स्टेंट डेल्टा तो कॉन्स्टेंट है लेकिन एफ एम बढ़ा है, एफ एम बढ़ेगा तो आपका मॉड्यूलेशन इंडेक्स घटेगा। तो ये आपका हम देख रहे हैं यहाँ 0.5 है या 1.0 तो यहाँ हाईएस्ट है क्योंकि यहाँ ऊपर से नीचे हम क्या आ रहे हैं एफ एम बढ़ रहा है। तो इसके अंदर देखें साइडमेंट ज़्यादा है, इसमें 5 हो गए, इसके अंदर आपके 3 होंगे, इसके अंदर तो एम एफ जैसे जैसे इधर आएगा क्योंकि ऑलरेडी देख चुके हैं एम एफ जब मिनिमम है साइडमेंट मिनिमम है तो एम एफ आपके 0.5 के ऊपर ये वाली उल्टी सिचुएशन है ऊपर से नीचे आ रहे हैं इसमें। तो ये दो डायग्राम दिखा रहे हैं कि एफ एम कॉन्स्टेंट और डेल्टा कॉन्स्टेंट के ऊपर डेल्टा बढ़ता हुआ और डेल्टा यहाँ पर एफ एम बढ़ता हुआ, तो ये हम ग्राफिकली दिखाने की कोशिश की। उसके बाद आते हैं नैरो बैंड एंड वाइड बैंड एफ एम। एफ एम ब्रॉडकास्टिंग मॉड्यूलेटिंग फ्रिक्वेंसी 30 हर्ट्ज से 15 किलोहर्ट्ज तक लेते हुए अधिकतम डिवीजन 75 किलोहर्ट्ज रखा जाता है, अधिकतम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 500 से 2500 रखा जाता है। नैरो बैंड एफ एम में एम एफ एक रखा जाता है और वाइड बैंड एफ एम की बैंडविड्थ नैरो बैंड से 15 गुना ही होती है, ये हमने कुछ डेफिनेशन दी है। नैरो बैंड एफ एम को मोबाइल कम्युनिकेशन में काम में लेते हैं, यानी एफ एम बहुत बैंडविड्थ जिसमें बहुत कम लेते हैं वो मोबाइल में लेते हैं, वो मोबाइल में ज़्यादा नंबर ऑफ़ यूज़र बढ़ाने के लिए हम ऐसा करते हैं। उसके बाद नॉइस वे फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन, इसमें ए एम की तुलना में बहुत कम नॉइस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि नॉइस का इफेक्ट सबसे कम एफ एम में ही होता है, या विस्तृत विवरण बता रहे हैं। प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, प्री एम्फेसिस एंड डी एम्फेसिस, यदि उच्च आवृत्ति कंपोनेंट्स को
आर्टिफिशियली बढ़ाकर ट्रांसमिट किया जाए तो उसे प्री एम्फिसिस कहते हैं। जब ट्रांसमिशन के अंदर ट्रांसमीटर के अंदर क्या करते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट की एम्पलीट्यूड कम होती है तो उसको हम आर्टिफिशियली बढ़ा देते हैं, इसको बोलते हैं प्री एम्फिसिस। वह रिसीवर में डी एम्फिसिस द्वारा से पुनः सामान्य मान पर लाया जाता है। जो डी एम्फिसिस यानी रिसीवर के अंदर क्या करते हैं, उसको वापस नॉर्मल वैल्यू पर ले आते हैं, उसको बोलते हैं डी एम्फिसिस। तो यहाँ हमने फ्रिक्वेंसी वर्सेस ये गेन को दिखाया, तो हम देख रहे हैं 3 dB पॉइंट और इधर -3 dB पॉइंट, ये 0 dB पॉइंट। तो शुरू की फ्रिक्वेंसी के लिए तो ये कोई एक्स्ट्रा गेन नहीं दे रहे। यहाँ हम देख रहे हैं कि 2120 हर्ट्ज के बाद से लेकर के 15 किलोहर्ट्ज हाई फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट के लिए ये आपका कर्व यू दिखा रहा है। इसका मतलब इन कंपोनेंट के लिए हमने गेन ज़्यादा यूज किया प्री एम्फिसिस में, और ये उल्टा नीचे वाला पोर्शन क्या है, डी एम्फिसिस दिखा रहा है कि इन्हीं फ्रिक्वेंसी के लिए सेम लाइन ऑफ कर्व देखते हैं, सेम कंडीशंस के अकॉर्डिंग उसी वे में वेरी करते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, तो ये कहलाता है डी एम्फिसिस। तो इस वीडियो में मैंने ये बताने का प्रयास किया कि आपके FM वेव फ्रिक्वेंसी स्पेक्ट्रम को कैसे ड्रॉ करते हैं, उसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट्स आते हैं, कैसे उनको हम समझाने का प्रयास करते हैं, ये हमने देखने की कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और यदि पसंद है तो लाइक और शेयर करें। इस चैनल से नए जुड़ने वाले व्यूअर्स इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वीडियो के बारे में कोई कमेंट या क्वेरी हो तो ज़रूर लिखें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।